नमस्कार, मैं हूं शिवम तनेजा और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं यूपी का एक और सियासी किस्सा लेकर। आज हम एक बार फिर बात यूपी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव की करेंगे। दरअसल मुलायम सिंह यादव यूपी की सियासत के एक बड़े नेता हैं और इसी के चलते यूपी के सियासी गलियारों में मुलायम सिंह यादव के ऐसे कई किस्से हैं जिनमें से एक किस्सा आज हम आपको बताने वाले हैं। देश की आज़ादी के बाद से यूपी में समाजवादियों का राज रहा है और इस राज को हासिल करने में मुलायम सिंह यादव ने कड़ी मेहनत की और यही कारण है कि उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। कहते हैं राजनीति करना इतना भी आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। राजनीति में लोगों की गालियां भी सुननी पड़ती हैं, बुरा भला सब सहन करना पड़ता है। राजनीति में पहने गए सफेद कुर्ते को बेदाग रखना पहाड़ तोड़ने के जैसा है। शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसके ऊपर किसी तरह का आरोप ना लगा हो और मुकदमा दर्ज ना हुआ हो। मुलायम सिंह यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुलायम सिंह यादव ने अपने लंबे राजनीतिक सफर में हर मुसीबत का सामना किया है और उन्हें भी हर तरह के आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ा है, इनसे दो चार होना पड़ा है। एक घटना ऐसी हुई कि मुलायम सिंह यादव पर आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मुकदमा कर दिया। आखिर अधिकारी ने ऐसा क्यों किया और मुलायम पर आरोप क्या लगाए और ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह यादव का साथ किसने दिया? यूपी के सियासी किस्से में आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा चल रहा है और ये मुकदमा भी अखिलेश यादव के कार्यकाल के आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने उन पर किया। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद यूपी की सियासत में हंगामा शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सालों पुराने केस से अब तक मुलायम सिंह यादव बरी नहीं हो पाए हैं। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर हमेशा से ही सामाजिक मुद्दों को लेकर सजग रहते हैं जिसे लेकर उनका अंदाज एकदम बेबाक है। इसके अलावा अमिताभ ठाकुर कवि भी हैं और इसके साथ ही वो लेखक भी रहे हैं। सामाजिक मुद्दों को लेकर वो साफ और स्पष्ट बोलते हैं, चाहे फिर उनके सामने कोई भी आ जाए, वो किसी को नहीं देखते, किसी की परवाह नहीं करते। मुलायम सरकार का कार्यकाल रहा हो या अखिलेश सरकार का दौर, अमिताभ ने प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को हमेशा रखा है, उनके खिलाफ वो खुलकर बोले हैं और टिप्पणी की है। लेकिन अमिताभ सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सरकार से सीधे सीधे पंगा ले लिया। अमिताभ ठाकुर ने सीधे मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगा दिए। उन्होंने आरोप क्या लगाया? उन्होंने आरोप लगाया 15 जुलाई 2015 को मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन पर धमकी दी, ऐसा उनका कहना था, जिसको लेकर अमिताभ ने लखनऊ के पुलिस स्टेशन में तहरीर भी दी। अमिताभ ने धमकी की ऑडियो क्लिप भी सार्वजनिक की जिसके बाद यूपी के सियासी गलियारों में खूब हंगामा मचा। जब अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाया उस वक्त राज्य में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे। ऐसे में जब अमिताभ अपने आरोप लेकर मुकदमा दर्ज करने थाने पहुंचे तो उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। चूंकि बात मुलायम सिंह यादव की थी जिसके चलते मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन अमिताभ भी अड़ियल थे तो पहुंच गए कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया। अब उन्होंने पंगा लिया था तो इसका नतीजा भी उन्हें झेलना पड़ा, इसका सामना करना पड़ा। हुआ यूं कि इस विवाद के चलते अमिताभ ठाकुर को निलंबित कर दिया गया। अब सरकार अखिलेश यादव की थी और बात उनके पिता की थी तो अपने पिता मुलायम के बचाव में अखिलेश आकर खड़े हो गए। तब अखिलेश ने कहा कि क्या नेताजी किसी को समझा भी नहीं सकते? नेताजी उन्हें भी समझाते हैं, नेताजी को कुछ समझाए
नेताजी अगर किसी को कुछ समझाएं तो ये बात क्या गलत है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। दरअसल अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव और उनके बीच की कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑडियो पेश किया था वो 2 मिनट 10 सेकंड का था, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समझाने की कोशिश की और सुधरने को कहा। लेकिन इस फोन कॉल के बाद अमिताभ कहते हैं कि वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, जिसके बाद उन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा करने का मन बनाया, लेकिन उन्हें कुछ हासिल तो नहीं हुआ बल्कि अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। तो ये था आज का हमारा यूपी का सियासी किस्सा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया हलचल।